नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक पर आज की खास पेशकश। खास इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यह बात दोहराए जा रहे हैं कि जो तीन कृषि बिल वो लाए हैं, तीन कृषि कानून जो पारित किए गए हैं, वे किसानों के लिए हितकारी हैं, लेकिन वहीं किसान, मजदूर और छात्र इन बिलों के खिलाफ लंबे समय से लामबंद हैं, जिनके बारे में वे एक शब्द सम्मान से कहने को तैयार नहीं। और वहीं हमें दिखाई दे रहा है कि किसानों और मजदूरों के मुद्दे को मिलाकर जो लोग लड़ रहे हैं उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसी ही एक बहादुर लड़की नवदीप कौर है, जिसने कुंडली में, हरियाणा में मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए किसानों के सवालों के साथ उसे लामबंद करने की कोशिश की और बहुत ही अहम सवाल उठाया कि आखिर मजदूर और किसान देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, मेहनत करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान होता है, फिर आखिर प्रधानमंत्री और मोदी सरकार उनकी बात सुनने को क्यों नहीं तैयार है। आइए जानते हैं नवदीप से, जिन्हें अभी जमानत मिली है और वे पहुंची हैं देश की राजधानी दिल्ली में लोगों से बात करने के लिए और अपने आगे का एजेंडा बताने के लिए। न्यूज़ क्लिक के दर्शकों से आज हम मिलवाने जा रहे हैं नवदीप कौर को। नवदीप कौर भारत की बहादुर बेटी, जिन्होंने मजदूर किसानों के लिए संघर्ष किया, जेल गईं, 12 जनवरी से लेकर लंबा समय जेल में निकाला और उसके बाद बाहर आई हैं बेल पर। और बाहर आने के बाद, जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि वे वही बात कह रही थीं कि आंदोलन और संघर्ष के मुद्दों को वो जारी रखेंगी। नवदीप, न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवदीप, हम बता दें काफ़ी थकी हुई हैं, तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन उनके हौसले वैसे ही बुलंद हैं। नवदीप, थोड़ा संक्षेप में ये बताइए कि आपकी उम्र बहुत कम है, बहुत यंग हैं आप, और बहुत यंग उम्र में, कम उम्र में आपने इस तरह का आंदोलन में आप सक्रिय भूमिका आपने निभाई, मजदूर और किसानों को जोड़ने की कोशिश की, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इतनी कम उम्र में इतना मजबूत संघर्ष करने का? देखिए, बचपन से ही हम लोगों ने देखा है कि जो मज़दूरों के साथ बहुत धक्का होता है, ज़बरदस्ती होती रही है, लेकिन जब हमारी मम्मी को देखा हम लोगों ने, हमारी मम्मी लगातार से मतलब महिलाओं की आवाज़ बनते रहे, मज़दूरों की आवाज़ बनते रहे, जैसे हमारे गांव में भी एक लड़की का रेप हुआ, उसकी आवाज़ बनते रहे, तो उनको देखते देखते हम लोगों को भी लगा कि बिना लड़े हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, हम लोगों को पीछे रखा जाता है, शोषण किया जाता है। अगर हम लोग ना बोलें, अगर हम लोग अपने हकों के लिए ना बोले, तो शायद कोई भी हमें अपने हमारे हक नहीं देगा, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग संगठित रूप में लड़ने की कोशिश कर रहे थे जी। कितना समय हो गया था आपको कुंडली में आए और मजदूरों के बीच काम करते हुए? मैं जून जुलाई के करीब मैं यहाँ पे कुंडली में आई थी, शायद उसके बाद या फिर मैं अच्छे तरीके से याद नहीं, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो तुरंत बाद हम लोग यहाँ पे कुंडली में आए, ताकि जो मैं अपने कॉलेज की फ़ीस पे कर पाऊँ, क्योंकि मैं खालसा कॉलेज में मैंने अप्लाई तो किया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आगे पढ़ पाऊँ। तो फिर मैं कुंडली में आके काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त काम करते थे। तो पहले मैंने एडसन नाम की कंपनी में 15 दिन काम किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी काम था, बहुत ज़्यादा काम था, तो संडे भी छुट्टी नहीं मिलती थी। फिर जाके मैंने फेम कंपनी में ज्वाइन किया, फिर जब मैं कुंडली में आई तो मैंने मजदूर अधिकार संगठन को भी ज्वाइन किया, क्योंकि वहाँ पर यहाँ आने के बाद आपने ज्वाइन किया? जी जी, मैं यहाँ पर जब कुंडली में आई हूँ तो तब मैंने मजदूर अधिकार संगठन को ज्वाइन कर लिया था। अच्छा जी, तो कितने समय आपने फैक्ट्रियों में काम किया? मैंने 2 महीना फेम कंपनी में काम किया है और 15 दिन मैंने एडसन में काम किया है, और उससे पहले मैंने एक कॉल सेंटर में भी काम किया। काम करते हुए आपको क्या महसूस हुआ, क्योंकि आप तो पढ़ाई भी अपनी आगे बढ़ाना चाहती थी, तो जो कुछ फैक्ट्रियों के बारे में सुना था क्या वैसी ही थी फैक्ट्रियाँ? देखिए, सुना तो इतना नहीं था, लेकिन जब मैं फैक्ट्री में काम किया, हमें जो मैं फेम कंपनी में काम किया, आप अगर पता करें तो उसमें खड़े रह के काम करना पड़ता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक हमेशा खड़े रह के काम करना पड़ेगा आपको। उसमें इंडिकेटर लाइट्स बनाई जाती है, खड़े रह के जल्दी जल्दी में काम करना, अगर आप स्लो होते हो तो आपकी सैलरी कट की जाती है, अगर आप 5 मिनट भी लेट होते तो भी आपकी सैलरी कट कर दी जाती है। तो खड़े रह कर लगातार काम करना बहुत मुश्किल था, और हाथ साथ नहीं देते थे, उंगलियाँ छिल जाती थी इंडिकेटर बनाते बनाते। और एक दिन में आपको
आपको 2000 इंडिकेटर बनाने पड़ेंगे अगर आप जी, और अगर आप नहीं बनाते हो तो आपकी सैलरी कट होगी या आपको अगले दिन भी उसका भरपाई करनी पड़ेगी। कितने पैसे पे आपको नौकरी मिली थी वहाँ? जैसे एडिसन कंपनी है, मुझे 7-8 हज़ार था मुश्किल से, और यहाँ पे 9 हज़ार बोल के लगाया गया था, लेकिन उसमें जो दोपहर में गंदा सा खाना था उसका भी काट लेते थे कुछ, ये बाकी काट पीट के 7-8 हज़ार मिलता था। 7-8 हज़ार रुपये, और यही तमाम लोगों को मिलता था? महिलाएं ज़्यादा थी क्या काम करने वाली? महिलाएं बहुत ज़्यादा गिनती में थी। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि पुरुषों को निकाल रहे हैं, महिलाओं को भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को वेतन पुरुषों से कम दिया जाता है और काम ज़्यादा लिया जाता है, इसीलिए कंपनियों में महिलाएँ बहुत ज़्यादा है और काम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और उनका वेतन बराबर नहीं है। संघर्ष की दौर कब से शुरू हुआ और आपने कब से मज़दूरों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की? संघर्ष का जो दौर है वो तो बचपन से शुरू हो गया था, जब से हम लोगों ने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब से हम लोगों को ये दिखा कि खेत में जाते हैं, काम करते हैं तो भी मज़दूरों के साथ कैसा बिहेवियर होता है। तो मम्मी को देखते देखते मैं भी, जब हम लोग किसी धरने में जाना होता तो मम्मी के साथ मैं जाती थी, सॉन्ग गाना या फिर नारे वायरे लगाना सिर्फ यही काम था और मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी। फिर जब हमारे गंदर कांड हुआ तब मैंने पहली बार बोला था स्टेज पे, बठिंडा में एक बहुत बड़ा धरना हुआ था तब मैं पहली बार स्टेज पे बोली थी। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब जब मैं दिल्ली में आई तो राजीव BSA में काम करती थी मैं, सिर्फ यहाँ पर जॉब करने आई थी तो पढ़ने आई थी। फिर मैंने थोड़ा बहुत काम राजवीर के साथ भी किया NRC के टाइम, जैसे मैं पुरानी दिल्ली में काम कर चुकी थी। फिर उसके बाद मैं जब लॉकडाउन के बाद में यहाँ पे आई थी, मजदूर अधिकार संगठन ज्वाइन किया, फिर मैंने मजदूरों में काम किया। नवदीप, आप ये बताएं कि 12 तारीख से आप जेल में रहीं और आपने और आपके तमाम साथियों ने ये भी बताया कि आपको प्रताड़ित भी किया गया, पूरा जो दौर है वो कैसे आप देखती हैं और क्या चीज़ आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? देखिए, जब 12 तारीख को मैं जेल में गई हूँ, जेल से बाहर की जो घटनाएं हैं मैं वैसे काफ़ी बता चुकी हूँ कि हम लोग क्यों मज़दूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, क्यों किसानों की सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब मैं जेल के अंदर गई तो वहाँ पे मैं जो बुटाना रेप केस वाली लड़कियों से मिली और भी बहुत सारी महिलाओं से मिली, तो पता चला कि पुलिस का ये चीज़ें बहुत पहले से और बहुत आम हैं, थानों में रेप करना और महिलाओं का शोषण करना और रिमांड करना जेंट्स पुलिस का, और वो भी बहुत बुरे तरीके से, हाई लेवल पे। आपको भी जो अरेस्ट किया या आपके साथ जो प्रताड़ना की, वो भी मेल पुलिस थी या महिला पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई थी? जी, मेल पुलिस थी, जब मुझे गिरफ्तार किया तब भी मेल पुलिस थी, और जब मेरा रिमांड हुआ तब भी मेल पुलिस ही थी, और जब मुझे जेल में छोड़ने गए तब या फिर हॉस्पिटल में तब जो फीमेल पुलिस को लेके गए, वरना बहुत बुरे तरीके से अंदर तो जेंट्स पुलिस के द्वारा ही मारा गया है, और जाति सूचक गालियां दी गई और बहुत बदे बदे वर्ड बोले गए और प्राइवेट पार्ट पे भी मारा गया और मतलब अलग अलग तरीके से टॉर्चर भी किया गया। तो उन्होंने जो मारा, वो मारने वाले पुलिस ही थे जो प्राइवेट पार्ट्स पे भी मार रहे थे? जी, पुलिस वाले थे। नहीं, मेल पुलिस वाले थे? मेल पुलिस वाले थे, मतलब मेल पुलिस जब मुझे पकड़ा है तो वो टारगेट कर करके ये बोल रहे थे कि आप लोगों का हक नहीं बनता है कि आप मज़दूरों की आवाज़ बनो या फिर आप हमारे खिलाफ खड़े हो, आपका काम है सिर्फ जो भाई वो करो, गटर साफ़ करना, कंपनी में काम करना, आप सिर्फ यही काम कर सकते हो और ज़्यादा काम नहीं है, और जो गंदी गालियाँ दी गई जो मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगी यहाँ पर, जो पुलिस का काम होता है गालियाँ देना, वो तो वो उन्होंने किया ही है, और मतलब ज़बरदस्ती साइन करवाना, खाली पेपर पर भी साइन करवाना, ताकि जो बाकी मजदूर अधिकार संगठन के लोग हैं उनको फंसाने की कोशिश की गई, ये बोला है कि नवदीप कौर के साथ 50-60 या 40-50 लोग ऐसे अन्याय करके, मतलब पुलिस ने खुला छोड़ा है जी, खुले छोड़े हैं। जो सेक्सुअल वायलेंस की बात आपने कही है और तमाम साथियों ने कही है, उसकी लेकिन जांच इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत दिन तक आप जेल में थी शायद? जी, क्योंकि मेरा मेडिकल नहीं बनने दिया उन लोगों ने, जब मुझे पकड़ा गया तो मेरे सिर पर बहुत सारी चोटें थी, तो उन लोगों ने जब हॉस्पिटल में लेके गए तो सिर्फ नॉर्मल रिपोर्ट, पता नहीं किस तरीके से उनको बोला, लेकिन ऐसे घुमा के वापस ले आए और वहाँ पर मुझे करनाल जेल में छोड़ दिया। जब मेरी राजवीर से मुलाकात हुई, राजवीर को मैंने बोला कि मेरे बहुत सारी चोटें हैं और मेरा मेडिकल नहीं हुआ है और मुझे दवाई की ज़रूरत है, तो राजवीर ने फिर वकील से बात करी, हमारे लॉयर से बात की, फिर वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद 14 दिन के बाद मतलब मेरा मेडिकल हुआ है, उसमें बहुत थोड़े निशान रह गए थे, लेकिन निशान थे, लेकिन जो ज़्यादा निशान थे वो काफ़ी मिट चुके थे, और जो दर्द था, जो गुम चोटें हैं
वो नहीं लिखी गई, और उन्होंने बोला है कि हम गुम चोट नहीं लिख सकते, चाहे कितना भी दर्द हो रहा हो गुम चोट नहीं लिख सकते, सिर्फ निशान लिख सकते हैं। तो निशान लिखे गए, लेकिन अगर पहले ही दिन मेरा मेडिकल होता तो वो उसमें जाहिर होता कि किस तरीके का मैं रिमांड हुआ है। दो तीन चीज़ें जो आपसे जानना चाहूँगी, किसान और मज़दूरों को आप एक करना चाह रही थी, आपने आप यहाँ पर आई भी थी किसानों के बीच में भी, वो आपका क्या क्या संगठन की सोच थी, आपकी सोच थी, क्या सोच रहे थे आप? देखिए, कभी भी एक इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता है, पूरे संगठन का ही, जो पूरे मज़दूरों का ही ये था कि अगर ये कानून लागू होते हैं जो सरकार करना चाह रही है, उससे सीधा प्रभाव मज़दूरों पे पड़ने वाला है, और मज़दूर भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और किसानों को देखते हुए हमारे अंदर जोश भी आया, और जो मतलब इन्होंने बोला है कि आप जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हो, लिमिट ही नहीं है उसकी कोई, तो आप देखिए किसानों से बहुत सस्ते रेटों में अनलिमिटेड मतलब खरीद के उनको गोदामों में भर दिया जाएगा, तो जब वो मार्केट में आएगा तो मज़दूरों को कितनी हाई रेट पे दिया जाएगा। पहले ही मज़दूर तो इतनी महंगाई के मारे हुए हैं, वेतन नहीं बढ़ता लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो ये मज़दूरों को भी सीधा प्रभावित करने वाला है। तो इसलिए आप कोशिश कर रही थी, आगे आप क्या देखती हैं? और एक जो सबसे बड़ा सवाल कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहती हैं, कैसे क्या सोच रही हैं पढ़ाई के बारे में? देखिए, पहले मेरा यही था कि मुझे आगे पढ़ना है, क्योंकि जो राजवीर है उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते रहे हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ पाई, उनका बहुत शौक था, लेकिन हमारी सारी फैमिली के लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, क्योंकि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी ऐसी थी। तो फिर पहले मेरा ये था कि मैं आगे पढ़ाई करूँ और आगे मैं जारी रखूँ और जॉब करूँ, लेकिन जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, जैसे राजवीर के दोस्तों से मैं मिली या फिर और लोगों को मैंने देखा, बहुत सारी डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है, वो कहाँ जाएंगे? या तो पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलती, पीएचडी करके भी वो ठेके पे पढ़ा रहे हैं, तो मेरे जैसे लोगों को कैसे जॉब मिलेगी? तो जो काम हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ठीक है मुझे लगता है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, मैंने सिर्फ प्लस टू की है, ये है कि बिल्कुल जी, अभी ये है कि आने वाली पीढ़ी को ऐसा ना देखना पड़े, इसीलिए हमारी ये लड़ाई है, ताकि एक उम्मीद है कि शायद लड़ने के बाद, अपना संघर्ष करने के बाद शायद कोई उम्मीद है कि आगे आने वाली पीढ़ी। अपने परिवार के बारे में बताइए, आपका परिवार बहुत मजबूती से आपके साथ खड़ा रहा, कौन कौन है परिवार में और संघर्ष की विचारधारा क्या रही है उनकी? देखिए, मेरे परिवार में मम्मी पापा के अलावा हम चार बहनें और दो भाई हैं और मेरा एक भांजा है, और जब मैंने अपनी मम्मी से सीखा, मेरी मम्मी भी जैसे मैंने बचपन से देखा है, मेरी मम्मी संघर्षों में रही हैं, और मेरे पापा भी हम लोगों को लेकर काफ़ी ये था कि वैसे हम लोगों ने गांव में देखा है, किसी भी लड़की को भी बाहर जाने की भी वो आज़ादी नहीं है, 14-15 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती है, लेकिन मेरे पापा की कितनी सपोर्ट रही कि हम लोग को मौका दिया गया कि आप लोग पढ़ो और आप लोग मतलब ऐसे संघर्षों में भी जाओ, और घर वालों की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और अगर घर वालों की सपोर्ट ना होती शायद मैं यहाँ पर लोगों के लिए लोगों की आवाज़ नहीं बन पाती। एक आखिरी बात जो शिव कुमार जी के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं और क्यों उनको किस तरह से फंसाया गया, क्या आप देखती हैं? देखिए, शिव कुमार भी जैसे उसकी फैमिली बैकग्राउंड को आप देखें, शिव कुमार की माता जी हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, उसे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं उसके पापा के अलावा, और उनको इलाज की ज़रूरत है उसकी मम्मी को, तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे शोषण बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, तो 3 साल पहले शिव कुमार ने अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद ITI की उनकी पढ़ाई छोड़ दी, और फिर उन्होंने एक संगठन बनाया मजदूर हित संगठन, इसी को देखते हुए, क्योंकि मज़दूरों की कोई बात नहीं सुन रहा है, फिर उसके बाद शिव कुमार का जो रोल रहा है बहुत अच्छा रहा है, पुल बनाने की डिमांड जो शिव कुमार ने उठाई, लॉकडाउन में मज़दूरों का पैसा दिलाने के लिए मज़दूरों के इकट्ठा करके प्रोटेस्ट करवाने, धरने करवाने, तो शिव कुमार का बहुत अच्छा रोल रहा है, लेकिन उसको इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि वो मजदूर हित संगठन का प्रेजिडेंट है और एक दलित लड़का है, लेकिन 12 तारीख को शिव कुमार वहाँ पर मौजूद नहीं था। न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका संघर्ष और शिव कुमार और तमाम लोगों का संघर्ष आगे रंग लाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुटें। आप नवदीप की माँ हैं, आपका नाम क्या है? और नवदीप, आपका बहुत हवाला देती हैं कि आपसे उन्होंने आंदोलन करना लड़ना सीखा, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। हाँ जी, ना मेरा नाम सवरणजीत कौर है, जिला मुक्तसर साहब, पिंड गंदड़, नवदीप दी मम्मी है मैं, और जब बोलती है नवदीप बिल्कुल सच बोलती है, क्योंकि 15 साल पहले हमारे जो गांव में मुक्तसर ज़िले में जो पंजाब लेवल पे इस
पंजाब खेत मजदूर यूनियन है उसका मेंबर रहे हम, पूरा परिवार उसके साथ मिलके जहाँ भी कोई संघर्ष होता था मजदूर किसानों का अब भी जाते हैं, पहले भी जाते थे, और हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे जब साथ में संघर्षों में गीत गाते थे, किसानों मजदूरों के गीत गाना, थोड़ा थोड़ा बोलना, ऐसे बचपन से सीखा उन्होंने। क्या काम होता है आपके घर में? हमारे घर में तो यही है, पशु पालना, जा खेत में काम करना, काटन निकालना, धान लगाना, ऐसा काम करते हैं हम, तो खेत मजदूरी करते हैं। किसी संगठन से भी जुड़ी हुई हैं आप? हाँ, पंजाब खेत मजदूर मजदूरों की जथेबंदी है जिसमें हम जुड़े हुए हैं परिवार। नवदीप वाला, जब नवदीप की गिरफ्तारी हुई तो आपको डर भी लगा होगा? डर तो हर माँ बाप को लगता है, जैसे हमारे जैसी और भी माएँ हैं जिसकी बेटियाँ जेल की बंद है, या बेटे हैं, या भाई बहन है, हमारे को भी लगा कि हमारी जवान बेटी है, काम करने के लिए गई या पढ़ाई के लिए गई, हमारी घर की हालत मंदी सी, लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हो गया हम सभी परिवारों का, जैसे हमारा भी परिवार शामिल है इसमें, क्योंकि खाना ही बहुत मुश्किल हो गया था, जैसे कि नवदीप को फैक्ट्री में काम करना पड़ा और बाद में काम करने के पैसे भी नहीं मिले, ऊपर से उनको मार पीट करके जेल में बंद कर दिया गया, वो भी जेंट्स पुलिस वालों को पीटा गया, जेंट्स पुलिस वालों ने पकड़ा उनको और संगीन धारा लगा के जेल में बंद कर दिया गया, बाद में मुलाकात भी नहीं करने दी और मेडिकल सहूलत भी नहीं दी गई, इस करके हम बहुत परेशानी में थे। अभी क्या लगता है आपको, अभी तो आपकी बेटी बाहर आई है? अभी हमारे को तो यही लगता है कि जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो बाहर के कंट्री में हो, जहाँ हमारे देश में हो, सभी बहन भाई मजदूर किसान मिलके उसके साथ में आए, सपोर्ट में आए, सपोर्ट की वजह से हमारी बच्ची को जमानत मिली है और हम आस करते हैं आगे से भी वो खड़े रहेंगे, तो जो भी केस उनके ऊपर झूठी धारा लगाई है वो वापस ले। Thank you.